Hello friends, so today we are going to take one of the important chapters or important topics in botany, and that's floral formula and floral diagram. ये ऐसा topic है जो आपको बहुत जगह पे देखने को पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी problem क्या है, समझने की problem है. क्योंकि अगर आपने floral formula पहली बार सुना है, पहली बार इसको देखा है, इवन कि फ्लोरल डायग्राम आपने कभी देखा है, इसको सुना है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला. ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है यहाँ पे, इन फ्लोरेसेंस में या फ्लावर की बात करें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरे साथ आप चलिए. और अगर कहीं पर कन्फ्यूजन है प्लीज़ इसको आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पर मैंशन कीजिए, तो मैं उस पर फिर आगे और भी विस्तार से चर्चा कर सकता हूँ. तो फिलहाल इस वक्त हम फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम पे बात करते हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी आवर टुडेज़ टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जैसे मैंने पहले फ्लावर के वीडियो में कहा था, इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, बिकॉज इट्स अ टेक्निकल. यहाँ पे सिंबल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है एंड सम रिलेशंस, इंटर रिलेशंस की, एंड दैट्स व्हाई इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो आप देखिए इस वीडियो को मैं कैसे यहाँ पे इसमें कैसे समझाता हूँ. तो लेट्स गो. सो टुडेज़ टॉपिक इज दैट इज a floral formula and floral diagram. ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक and one of the important topic, technical topic, जो आपको समझने में शायद खुद जो आप समझेंगे उसमें डिफ़िकल्टी हो जाएगी. तो देखिए, चलिए इस वीडियो को देखने से पहले अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो आई विल एडवाइस कि पहले आप फ्लावर के वीडियो को देख लीजिए जो मैंने फ्लावर के बारे में बताया, तभी आपको इसमें आप आसानी हो जाएगी समझने में. क्योंकि फ्लावर मैंने उसमें मैंने विस्तार से बताया कि कौन सी जगह पर कौन सा यानी स्टेम, ये फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, फ्लावरल पार्ट्स, उनका आपस में रिलेशन और कौन चीज़ की, मतलब किस चीज़ को हम कैसे टर्मिनोलॉजी मैंने वहाँ पे यूज़ की है फ्लावर के वीडियो में, आप उसको पहले देखिए, उसके बाद इस डायग्राम वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा. तो आई विल एडवाइस यू टू सी द फर्स्ट दोज वीडियोज़ विच आर पर्टेनिंग विद फ्लावर, द बेसिक थ्री वीडियोज़ ऑफ फ्लावर जो मैंने ऑलरेडी डाले हैं इस साइट पर अपने चैनल पर, तो उसके बाद आप इसको देख लीजिए. तो लेट्स गो. देखिए सबसे पहले वी आर टेकिंग दिस फ्लोरल फार्मूला, सो वी हैव दैट इज फ्लोरल फार्मूला. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट टॉपिक. नाउ फ्लोरल फार्मूला को हम डिफाइन करते हैं, सो विद डेफिनेशन यू विल गेट नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यहाँ पे आप पता चलेगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, फ्लोरल फार्मूला क्या है. इस डेफिनेशन को हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट दैट डेफिनेशन. सो it is actually, what is this, it is symbolic representation, it is symbolic representation. to yahan pe ek word, this is first word symbolic, means yahan pe symbols ki humne baat karni hai, unki zarurat padegi. so it is symbolic representation of various parts of a flower, of various parts of a flower. तो जो flower के यहाँ पर भी आप इसको देख लीजिए, parts of flower. तो it is symbolic representation of parts of flower along with उनके बीच में जो रिश्ता है, relation है, along with their interrelations, along with their interrelation. फाइन, अब यहाँ पे आप देख लीजिए फ्लोरल फार्मूला क्या है. यह है, दिस इज सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, किस चीज़ का, फ्लोरल पार्ट्स की, पार्ट्स ऑफ फ्लावर. सो इट इज सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर अलॉन्ग विद ईयर इंटर रिलेशन, इनके बीच में जो रिलेशन बनता है उसको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो मींस कि जो फ्लावर है उसमें जितने भी पार्ट्स है,
उनको हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच में जो रिलेशन है उसको भी हम अलॉन्ग विद सिम्बल डाल सकते हैं, यानी रिलेशन को भी हम सिम्बल से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिम्बल. दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ सिम्बल वी कैन शो यू द फ्लोरल पार्ट्स एंड वी कैन शो यू द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स. सो सिम्बल, यहाँ पे सिम्बलों का दो काम है, फ्लोरल पार्ट को बताना कौन सा फ्लोरल पार्ट है, सेकेंड पार्ट उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है. तो अब देखते हैं कैसे. देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक फ्लावर जो होता है, इफ़ दिस इज़ मदर एक्सिस, ऑन दिस मदर एक्सिस स्टार्क कम्स आउट, इफ इट इज़ अ पेरिसेलेट फ्लावर तो दिस इज स्टार्क. ठीक है, सो दिस एक्सिस, दिस इज स्टार्क और पेरिसेल, सो दिस इज स्टार्क. अब यहाँ पे दिस इज टोरस और थैलमस, जो मैंने कहा पहले भी. ऑन दिस थैलमस वी हैव द गार्निशियम और फीमेल पॉर कार्पल्स, देन वी हैव मेल पार्ट्स स्टामिनस, जो बीज से आज, तो इसके बाहर हमें क्या मिलेगा, फैटल. सो देर इज कारोला, दिस इज कारोला, दिस इज पैटल, दिस इज स्टामिन, and this is pistil or carpel, pistil, and this is sepal. These are green sepals. अब जो ये फ्लोरल पार्ट्स है, यानी सेपल, पेटल, स्टामिन एंड पिस्टल, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू रिप्रेजेंट दिस थ्रू दिस सिम्बल्स, और इनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम कैसे दिखाते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखिए, मैं कुछ सिम्बल्स का यहाँ पर बताऊँगा. इनफैक्ट सारे सिंबल्स मैं यहाँ पे शो करूँगा, आप उसको ध्यान से देख लीजिए कि जो सिंबल मैंने बताए किस चीज़ को कौन से सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स टेक फर्स्ट सिंबल एंड दैट इज बी. बी, व्हाट इज बी? फ्लावर के जैसे मैंने बताया, देर इज़ अ ब्रैकेट, समटाइम्स फ्लावर में ब्रैकेट होता है. अगर फ्लावर में ब्रैकेट है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई B. So B is means bracket. So if flower is having bracket, this is bracteate flower, otherwise it is E-bracteate. Yeah, ye flower E-bracteate ho sakta hai. This is EBR, E-bracteate. That means flower is E-bracteate. So this is bracteate. Theek hai. फ्लावर इज ब्रैकेट और इधर ई ब्रैकेट, ये डिपेंड करता है कि जो ब्रैकेट यहाँ पे है, दिस इज ब्रैकेट, ये प्रेजेंट है और इट इज एब्सेंट. सो दिस इज फर्स्ट सिंबल. सेकंड, देन वी हैव एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन और जाइगोमॉर्फिक. ये मैंने फ्लावर में बताया है कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, वो मैं बताऊँगा आपको साथ में. देखिए, अगर फ्लावर का जो हमारे पास इसके जो पार्ट्स होते हैं, अगर वो इस तरह से हैं, सपोज दैट इन दिस वे, तो एक रेडियल सिमेट्री यहाँ पे बन जाती है. सो दिस इज रेडियल सिमेट्री, या हम कह सकते हैं दिस इज अ साइक्लिक टाइप ऑफ सिमेट्री. यहाँ पे हम कहीं से भी इसको क्रॉस सेक्शन करते हैं, वी कैन पुट इन दिस वे, वी कैन पुट इन दिस वे, वी कैन पुट इन दिस वे. जहाँ पे भी हम क्रॉस करते हैं इसमें, हमें वी विल ऑलवेज गेट मिरर इमेजेस ऑफ, मिरर इमेज ऑफ अ पर्टिकुलर. हमें यहाँ पे पता चलेगा कि जो हमने कट किया है राइट साइड में, उसकी लेफ्ट साइड में सेम उसकी मिरर इमेज हमें मिलेगी. तो मतलब कहीं से भी हम, कहीं किसी भी डायगोनल से हम इसको क्रॉस कर सकते हैं. दो दैट्स दिस फ्लावर इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक. सो दिस इज रिप्रेजेंट बाय प्लस एक्टिनोमॉर्फिक. ठीक, तो यहाँ तक समझ आया? एक्टिनोमॉर्फिक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, दैट इज इट साइक्लिक, साइक्लिक क्रॉस, यहाँ पे हम इसमें सिमेट्री डाल सकते हैं. देन वी हैव प्लस साइक्लिक, या इसको हम, ये प्लस की मीनिंग रेडियल, तो इस ये जो सिंबल है, दिस रिप्रेजेंट्स एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन. इसके बगैर दूसरा जो मैंने बताया था फ्लावर में, दैट इज जाइगोमॉर्फिक. तो उस जाइगोमॉर्फिक हम इस तरह ये लंबा सा एक क्रॉस इस तरह बनाते हैं. तो दिस इज दिस दिस पर्टिकुलर सिंबल रिप्रेजेंट इज जाइगोमॉर्फिक कंडीशन. सो दिस इज जाइगोमॉर्फिक कंडीशन. फाइन,
तो देखिए ज़ाइगोमॉर्फी में क्या होता है, सपोज दिस इज अगेन फ्लावर, दिस काइंड ऑफ फ्लावर ना इस तरह है, इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप यहाँ से डालेंगे क्रॉस तो यू विल नॉट गेट मिरर इमेज, यहाँ से डालते हैं तो हमें कहीं से भी मिरर इमेज नहीं मिलेगी, मीन्स इट इज़ नॉट रेड, इट इज़ नॉट साइक्लिक, लेकिन हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, देन वी विल गेट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दिस सिमेट्री इट इज़ बाइलेटरल सिमेट्री, सो बाइलेटरल सिमेट्री, यानी इस फ्लावर में हम एक ही सिमेट्री डाल सकते हैं, दैट इज बाइलेटरल, वी विल गेट टू पार्ट्स राइट एंड लेफ्ट पार्ट, दैट्स अ बाइलेटरल सिमेट्री एंड दैट्स वॉट एग्जैक्टली इज कॉल्ड ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन को, वी कैन रिप्रेजेंट इट बाई इन दिस काइंड ऑफ क्रॉस, जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ आया होगा। अब इसके बाद एक और मैं सिंबल आपको दिखाना चाहूँगा ज़ाइगोमॉर्फिक के बाद, प्लांट के सेक्सुअलिटी के बारे में, कि प्लांट बाइसेक्चुअल है, यूनिसेक, ये जो फ्लावर है क्या ये फ्लावर बाइसेक्चुअल है, इसमें दोनों मेल फीमेल पार्ट पाए जाते हैं, और इट इज़ यूनिसेक्चुअल, या इसमें केवल आपको स्टामेंस मिलेंगे मेल पार्ट मिलेगा, या केवल इसमें आपको फीमेल पार्ट मिलेगा, सो ऑन दैट बेसिस वेदर इट हैज़ बोथ प्रेजेंट, बोथ फीमेल मेल पार्ट्स प्रेजेंट, बोथ सेक्सेस प्रेजेंट, देन इट इज़ हर्मोफ्रोडाइट और इंटरसेक्चुअल और बाइसेक्चुअल और परफेक्ट फ्लावर और मोनोक्लीस, जैसे मैंने इसे पहले बताया था, बहुत सारे उसमें जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं मोनोक्लीनस डाइक्लीनस, तो मोनोक्लीनस का कि यहाँ दोनों जो है, दोनों जो सेक्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर, सो दैट इज मोनोक्लीनस फ्लावर। कभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें क्या होता है कि एक ही सेक्स प्रेजेंट हो जाएगा, उसमें आपको मिलेगा खाली केवल फीमेल और देर इज़ अ मेल, देन दैट इज़ अ यूनिसेक्सुअल, और वहाँ पे हम ये कह सकते हैं दैट इज डाइक्लीनस दैट फ्लावर। तो दिस परफेक्ट कंडीशन और हर्मोफ्रोडाइटिक कंडीशन और बाइसेक्सुअल कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस वे, उसमें हम क्या करते हैं एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, देन एक इस तरह दिस वे, या इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं एरो, तो यहाँ पे एक क्रॉस है, क्रॉस के ऊपर से आपको एरो बनाना है नीचे से प्लस, बिकॉज प्लस रिप्रेजेंट फीमेल एंड दिस एरो रिप्रेजेंट मेल, इवन वी कैन रिप्रेजेंट मेल बाई यू शेप्ड सिंबल, दोनों तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी, तो ज़्यादातर दिस इज प्रेफर दिस वन, तो दिस इज बाइसेक्चुअल फ्लावर, तो जब हमारे पास फ्लावर बाइसेक्चुअल होगा तो वी हैव टू शो दिस टाइप ऑफ अ सिंबल। कभी फ्लावर उसमें केवल आपको मिलेगा देर इज़ ओनली स्टामिनस, यानी ओनली फीमेल पार्ट उसमें आपको मिलेगा, देर इज़ नो फीमेल पार्ट, दैट इज स्टैमिनेट फ्लावर, सो दिस फ्लावर इज स्टैमिनेट, यानी ओनली स्टामस प्रेजेंट स्टामिनस। इसी तरह आपको पिस्टिलेट फ्लावर मिलेगा इफ दिस सर्कल प्लस ओनली दिस इज पिस्टिलेट, राइट, तो यहाँ पे आपको केवल पिस्टल मिलेगा, यानी खाली गाइनोशियम यहाँ पे, एंड हियर इन दिस केस दिस इज एंड्रोशियम, बोथ केसेस आर यूनिसेक्सुअल, दोनों जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो दिस ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, आप इनको ध्यान से देख लीजिए, यू कैन कोरिलेट देम विद दिस पर्टिकुलर डायग्राम ऑल्सो। तो उसके बाद कभी क्या होगा कि किसी फ्लावर में आपको मेल फीमेल या तो इसमें नॉन फंक्शनल है और दे आर रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ देयर रिडक्शन, दे कैन नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या ये भी हो सकता है दोनों एबसेंट है, तो जब कोई भी फंक्शन नहीं है किसी फ्लावर में, ना मेल ना फीमेल, आपको वहाँ पे केवल कैलेक्स एंड कैरोला मिलेगा, दैट फ्लावर इज कॉल्ड न्यूटर, जैसे मैंने बताया दैट इज न्यूटर। तो हम न्यूटर को कैसे दिखाते हैं विद द कैपिटल एन, इसको दिस इज अ सिंबल फॉर न्यूटर। इसके बाद हमारा के इज कैलेक्स एंड सी इज करोला, फाइन, देखिए करोला भी सी से आ जाता है, कैलेक्स भी सी से आ जाता है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए के से हमें कैलेक्स बनाते हैं, सी से करोला को रहने देते हैं, अदरवाइज बोथ आर सी, सो के इज कैलेक्स इज करोला, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सेपल इज कैलेक्स एंड ग्रुप ऑफ पेटल इज करोला, तो यहाँ तक ये ठीक है।
तो दीज दीज आर सम सिंबल्स. इसके बाद हमारा हमारे पास और भी सिंबल है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बनाता हूँ पेरियंथ, ठीक है, दिस इज पेरियंथ. पेरियंथ मीन्स आपका कैलेक्स एंड करोला डिफरेंशिएटेड नहीं है, दे आर अनडिफरेंशिएटेड. देन वी कैन, जो भी ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है, इन आइदर इट इज कैलेक्स एंड करोला, देन हम उस कंडीशन में कहते हैं कि पूरे ग्रुप को हम पेरियंथ कहते हैं. और आपको पेरियंथ का जो एक यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड अ टैपल. तो यहाँ पे पी रिप्रेजेंट्स पेरियंथ कि प्रेजेंट है नहीं है, कितने सारे पेरियंथ है, क्योंकि यहाँ पे तो इन केस अगर या कैलेक्स और करोला भी दोनों प्रेजेंट है तो वी कैन राइट के टू आर थ्री, जो भी है सी टू थ्री. लेकिन पेरियंथ में अब जितने भी प्रेजेंट हैं उनको यहाँ पे लिख सकते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, या अगर एक ही ग्रुप में है तो एक ही ग्रुप में वो लिख सकते हैं. सो पी इज पेरियंथ, ठीक है. ए स्टैंड फॉर एंड्रोशियम यानी स्टामिन, एंड्रोशियम एंड्रोशियम, एंड जी इज गानोशियम. तो दिस इज फीमेल पार्ट, दिस इज मेल पार्ट. तो दिस आर स्टैमिन, दिस आर पिस्टल, दिस आर कार्पल्स. तो जी मीन्स कार्पल. तो ये हमारा यहाँ पे सिंबल है. वी हैव वन मोर सिंबल दैट इज लाइक दिस, न्यूमरस आर इनफिनिटी. तो न्यूमरस में क्या है कि अगर हम किसी चीज़, किसी भी फ्लावर ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो ग्रुप्स में नहीं है, इट्स नॉट इन डिजिट्स टू थ्री और फोर, ये ग्रुप्स में है, ये न्यूमरस है, उसमें कोई गिनती नहीं है, कोई नंबर नहीं है, देन वी कैन रिप्रेजेंट दैट बाई विद दिस हेल्प ऑफ दिस सिंबल न्यूमरस, ठीक है. तो दीज वेयर द बेसिक सिंबल्स, इम्पॉर्टेंट सिंबल्स मैंने बताया आपको. इनको आप सही से जान दीजिए, इन सिंबल्स को. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है. अब देखिए सिंबल्स को मैंने कंप्लीट किया है. अब इसमें हम दीज वेरियस इम्पॉर्टेंट सिंबल्स, जो हमारा ये टॉपिक था सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, वो हमने बताए. अब अलॉन्ग विद देयर इंटर रिलेशन, अब इन डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स के बीच में कौन सी रिलेशन पाई जाती है, वो हम उसके सिंबल्स जो है वो हम बताते हैं. तो होप यू अंडरस्टैंड. फर्स्ट पार्ट वॉज सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर. सो वी हैव गिवन द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल. Now we can take another part of this definition, is that how we can represent different interrelations between different parts of flower. In interrelations ko hum kaise symbol mein dal sakte hain, to inko bhi dekh lijiye. Sabse important relation one is that agar fused condition hai, fused condition is there, yani chahe sepal hai chahe petal hai androecium hai, us condition agar fused hai we can say gamosepalous gamopetalous सिनैंड्रस, इस तरह से. तो या जो ओवरी का स्थान होता है उनका, जो जब वो ग्रुप में होते हैं तो सिन इस्तेमाल करते हैं, सिनैंड्रस, सिन कार्पलरी जो भी करते हैं हम, सिन कार्पलरी या एपोकार्पलरी जो मैंने फ्लावर में बताया. तो फ्यूज्ड कंडीशन को हम इस तरह दिखाते हैं इन ब्रैकेट, ठीक है. अगर ये फ्री कंडीशन है तो हम ब्रैकेट नहीं बनाते हैं. तो ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स फ्यूज्ड कंडीशन. सपोज अगर हम जी को इस तरह बनाते हैं तो दिस इज कार्पल्स आर फ्यूज्ड. लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाते क्योंकि वी आर नंबर, हमें वी कैन रिप्रेजेंट दिस इज कार्पल. अब कितने कार्पल्स है, सपोज तीन कार्पल है, सो वी कैन पुट दिस डायग्राम लाइक दिस. दैट मीन्स कि यहाँ पे तीन कार्पल्स है. सो वी हैव ट्राई कार्पलेरी ओवरी, the ovary is tricarpellary, it has three loculus, three chambers, three carpels are there, then it is fused, means the carpels are fused. So this is fused condition. Agar hum is tarah batate hain isko three, this is free condition. So bracket ka means bracket is fused condition. This is one relation jo maine symbol ke dwara bataya. Second isme jo hai that is parts in whorls, yani वोरल की बात हम करेंगे. वोरल यानी ग्रुप्स, ग्रुप उस चीज को हम इस तरह से दिखाते हैं प्लस से. प्लस द प्लस साइन इज यूज्ड टू शो दैट काइंड ऑफ इंटर रिलेशन, जहाँ पे कोई भी
plural part group में है, it's not in a single way. Like अगर हम we can show androecium, for example like this, अगर androecium दो group में है, तीन तीन करके, we can show 3+3. That means it is in two groups, each group having three stamens. तो यहाँ पे plus का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो this is a whorl or group. The plus is used to show groups or whorls. ठीक है. यहाँ अगर androecium तीन groups में है, having three in two groups and one in one group plus one. तो यहाँ पे तीन groups है, एक में एक androecium है, दोनों में दो तीन तीन है. For example, ये diagram में भी आता है इस तरह से. This is one and दिस एंड्रोशियम, और यहाँ पे तीन है इस तरीके से. ठीक है, या इस तरीके से हम दिखाते हैं इनको, थ्री इन थ्री, टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में तीन तीन है, एक अलग है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं. तो प्लस इज यूज टू शो वर्ल. नाउ एक और इंटर रिलेशन जो सिंबल है, एंड दैट इज दिस बार या दिस करो, ये कहाँ पे हम दिखाते हैं. दिस इज ज्वाइनिंग, एक्चुअली ज्वाइनिंग कंडीशन. दिस इज कंडीशन फॉर ज्वाइनिंग, मीन्स अगर यहाँ पे कभी कभी जैसे एंड्रोशियम जो होता है, ये कभी पेरियंथ के साथ टच करता है, कभी पेटल के साथ टच करता है, कभी सेपल के साथ, तो उस कंडीशन में है हम इसको, अगर पेटल के साथ ही एंड्रोशियम टच करता है भी, उस कंडीशन को हम कहते हैं एपिपेटलस. इफ इट इज combining with it, having kind of a link with parent, we can call that condition epiphyllous. So in case of epiphyllous, androecium connect karta hai petal ke saath, to petal ke saath this is shown like this. Yeah, in case of epiphyllous, petal ko, in fact we are showing that with the help of C corolla petal, and with A combining with P, that means it is epiphyllous, it is कनेक्टिंग विद पेरियंथ. तो दिस इज कनेक्शन. एक्चुअली मैं आपको बाद में एग्जाम्पल में बताऊँगा, ये इम्पॉर्टेंट सिम्बल है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ इंटर रिलेशन. ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा. नाउ वी हैव वन मोर रिलेशन, दैट इज सुपीरियर एंड इन्फीरियर ओवरी. जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ओवरी होता है, ये कभी बाकी फ्लोर पार्ट से ऊपर हो जाता है, देन दैट इज सुपीरियर ओवरी, जिसको हम हाइपोगाइनी कंडीशन कह सकते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर. या ओवरी बाकी फ्लावर पार्ट से नीचे हो सकता है, देन इट इज इनफीरियर ओवरी और एपिगाइनस कंडीशन. दैट इज मीन ऑल फ्लोरल पार्ट्स आर अबोव ओवरी, दैट्स व्हाई इट्स एपिगाइनस. या कभी कभी ये पेरिगाइनस हो सकता है, इन पैरेलल विद इन ऑन द सेम हाइट विद डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स. तो यहाँ पे हम सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी की को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो पेरिगाइनी का कंडीशन होता है उसको हम नहीं दिखाते हैं. तो अगर ओवरी सुपीरियर है तो वी कैन शो लाइक दिस. अगर ओवरी सुपीरियर है, अगर सपोज दो कार्पल्स है, अब ये सुपीरियर है, वी कैन शो लाइक दिस. अगर ये इन्फीरियर है, द कार्पल्स आर ओवरी इज इन्फीरियर, वी कैन शो लाइक दिस. तो बार को अगर नीचे डालते हैं, दिस इज सुपीरियर, दिस इज इन्फीरियर ओवरी. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्बल है, दिस वन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्बल जिसको हम, जिसके द्वारा हम ओवरी का सुपीरियर कंडीशन या इन्फीरियर कंडीशन दिखा सकते हैं. यहाँ पे आप एक चीज़ में ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लेसेंटेशन को हम नहीं दिखा सकते हैं फ्लोरल फार्मूला में, लेकिन फ्लोरल डायग्राम में हम प्लेसेंटा को दिखा सकते हैं. तो इस तरह से आपको समझ आया होगा कि डिफरेंट सिंबल्स क्या होते हैं फ्लोरल फार्मूला में. अब मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किस फ्लोरल की फ्लोरल पार्ट के डायग्राम को पहले, उसके बाद किसको, इसके बाद किसको लिखेंगे. तो ऐसे नहीं है कि आप पहले एंड्रोशियम लिखोगे, फिर आप कैरोला लिखोगे, फिर फाइनली वी विल शो द पेरियंथ. नो, देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है. तो सबसे पहले आप मदर एक्सिस को दिखा सकते हैं इन दिस वे, दिस इज मदर एक्सिस. तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू, आपको फ्लावर का जो प्लान ऑफ डिवीजन है वो दिखाना पड़ता है. सपोज दिस इज एक्टोमॉर्फिक फ्लावर, उसके बाद आपको दिखाना पड़ता है कि सेक्चुअल है, एसेक्चुअल है, यूनिसेक्चुअल जो भी है, यू कैन शो लाइक दिस. इफ इट इज बाईसेक्चुअल, देन यू विल यू हैव टू शो पेरियंथ. या अगर डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स है, यू विल शो कैलेक्स, कैरोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोसियम. ये ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ता है. फर्स्ट
mother axis. So we have mother axis first, followed by division. Kaunsa division isme ho jata hai, whether it's a zygomorphic, actinomorphic, then condition of sex, it is bisexual or monosexual, then sepals, then petals, then male part, then female part. Means female part last pe dikhaya jata hai. ये एग्जैक्टली फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो किया जाता है. बिकॉज आप देखिए बाहर से हमें क्या मिलेगा, पहले ब्रैकेट मिलेगा, तो ब्रैकेट को भी इससे पहले हम दिखा सकते हैं. सो मदर एक्सिस के बाद हम ब्रैकेट को दिखा सकते हैं. इट इज़ ई ब्रैकेटेड, सपोज इट्स ई ब्रैकेटेड, या हम इसको सपोज इट्स लाइक दिस, दिस मदर एक्सिस, देन वी हैव ब्रैकेटेड कंडीशन. तो सबसे पहले क्या आता है बाहर में, ब्रैकेट, दैट्स व्हाई इट्स ब्रैकेट. उसके बाद हमें इसका डिवीजन के इसका ख्याल रखना पड़ता है, दैट्स व्हाई डिवीजन. देन इट इज सेक्चुअलिटी. उसके देन वी हैव सेपल्स, सो वी हैव सेपल्स, देन पेटल्स, देन वी हैव पेटल्स. उसके बाद वो हमारा एंड्रोशियम, हमारा स्टामिन्स बनते हैं बाहर से. देन बिटवीन दीज स्टामिन्स वी हैव पिस्टल और गाइनोशियम. तो इसी को फॉलो करते हम ये फ्लोरल फार्मूला बना सकते हैं, ये याद कर सकते हैं. तो आपने देखा फ्लोरल फार्मूला किस चीज़ को कहते हैं, किस तरह हम बनाते हैं, और किस तरह की परिस्थिति को देख के हम इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं. अब देखिए आपको ये याद रहा होगा, अब हम एक कुछ इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ का फ्लोरल फार्मूला वो टच करते हैं कि वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये जो फ्लोरल फार्मूला है हम इसको किस तरह यहाँ पे बनाते हैं. कुछ फैमिलीज़ को हम यहाँ पे लेते हैं, तो कुछ फैमिलीज़ को एग्जांपल ब्रासिकेस फैमिली एक है, यानी जो मस्टर्ड फैमिली है. तो सपोज एक एग्जांपल में लो ब्रासिकेस, यानी मस्टर्ड फैमिली, ठीक है, मस्टर्ड का फैमिली जो है. देखिए मस्टर्ड फैमिली में क्या है, आप इसमें ध्यान दीजिए. सबसे पहले ई ब्रैकेटेड कंडीशन है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो वी विल शो दिस ई ब्रैकेटेड, फाइन. अब इनके बीच में ना कामा रखना पड़ता है, एक छोटी सी स्पेस देनी पड़ती है बीच में डिफरेंट फ्लोरल ऑर्गन्स को. तो देन दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है. इसके बाद ये जो ब्रैसिकेसी है, दिस इज हर्मोफ्रोलाइट, सो दिस इज बाइसेक्सुअल कंडीशन. देन वी हैव के 2 plus 2, तो आपको समझ आया 2 plus 2, मतलब दो ग्रुप्स में है ये कैलेक्सिस, ये जो सेपल है, टू ग्रुप्स, दो और दो करके. देन वी हैव क्रोला, यानी पेटल जो है दैट इज 4. अब यहाँ पे मैंने क्रॉस दिखाया, मल्टीप्लिकेशन का एक सिंबल ही, लेकिन इट इज क्रॉस. दिस रिप्रेजेंट इज क्रूसीफेरी कंडीशन, दैट्स वाई इज कॉल्ड क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी फेरस कंडीशन. जो मैंने बताया था कि किस तरह का इसमें ये जो पेटल्स होते हैं, ये बहुत सारे तरीके के इसमें शेप्स होते हैं, पेपल्यूनेशियस या क्रूसीफेरस, जो भी मैंने बताया था फ्लावर के वीडियो में. तो दिस रिप्रेजेंट इज दैट 4 पेटल्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉस, दैट्स वाई वी आर शोइंग इट लाइक दिस. लेकिन वो सारे फ्री है ग्रुप में, मतलब फ्यूज्ड नहीं है, अलग अलग है, और ग्रुप भी नहीं है, क्रॉस में है सिंगली. तो दिस इज दैट कंडीशन. एंड्रोशियम दैट इज 2 plus 4, तो यहाँ पे एंड्रोशियम 6 है, एक ग्रुप में 2, दूसरे ग्रुप में 4, तो मीन्स 2 ग्रुप्स में है. तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 ग्रुप्स. देन फाइनली ठीक है, तो यहाँ तक ई ब्रैकेटेड, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, के 2 plus 2, सी इनटू 4, ए 2 plus 4, देन फाइनली वी हैव कार्पल दैट इज जी, वो भी दो होते हैं एंड दे आर फ्यूज्ड एंड इट इज सुपीरियर ओवरी. तो यहाँ पे आपने दोनों सिंबल्स देखे हैं, यानी दिस इज फ्यूज्ड, कार्पल दो है बट इट इज सुपीरियर ओवरी. सो वी हैव बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, सो दिस इज कॉल्ड बाइकार्पलरी, दो कार्पल्स है, सिनकार्पस इज फ्यूज्ड, सो बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, बिकॉज दिस इज सुपीरियर, सो दिस इज बाइकार्पलरी
कॉर्पस दो है, सिन कॉर्पस यानी दीज आर फ्यूज्ड सुपीरियर ओवरी, तो ओवरी जो है देन सुपीरियर, इसको हम यहाँ पे हमने दिखाया। तो ये आपने देखा कि फॉलो कैसे करते हैं सभी इन फार्मूलाज को, सभी फ्लोर डायग्राम्स को, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह एक फैमिली में और आपको आपके सामने बताऊंगा, ये वो लिलिएसी फैमिली जिसमें ओनियन का फैमिली दैट इज़ लिलिएसी, यानी जिसमें प्याज आता है दैट इज़ ओनियन फैमिली। ओनियन फैमिली में क्या होता है, सेम अगेन एक्टिनोमॉर्फिक एंड अगेन इट्स बाइसेक्सुअल, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कैलेक्स करोला नहीं है, इट्स सो पेरियंथ इज हियर, दिस इज पेरियं। अब जो पेरियंथ है इट इज टू ग्रुप्स में, 3+3 और इट कैन बी 3+3, ठीक है। यहाँ पे इस कंडीशन को आप समझिए, ये जो मैंने बताया कि 3+3 यानी ये तीन ग्रुप्स में हो सकते हैं इस तरह, लेकिन ये फ्री है, ये दूसरा ग्रुप है, सो दिस इज वन ग्रुप, दिस इज अनदर ग्रुप, ये भी फ्री है, तीनों फ्री है, लेकिन दो ग्रुप्स में है, देयर इज 3+3। यहाँ पे क्या है, ये दोनों ग्रुप्स का कनेक्शन हो गया है कहीं से, दैट इज 3+3 इन ब्रैकेट। अब अगर ऐसा कंडीशन है, तीन जॉइंटेड है लेकिन अलग अलग है, तो हम 3+3 दिखा सकते थे। अगर वो जॉइंट भी करते हैं देन वी कैन शो 3+3 इस तरह से। तो ये काफ़ी सारे कंडीशन में हो जाते हैं, तो फाइनली हम ग्रुप को बताते हैं प्लस से एंड फ्यूजन को विद हेल्प ऑफ दिस ब्रैकेट। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि पेरेंट का क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपने ध्यान दिया है, नाउ इसमें एंड्रोशियम एंड देयर इज आल्सो 3+3, एंड्रोशियम 3+3, तो यहाँ पे भी दो ग्रुप्स में है इन 3-3, और जी जो गायनेशियम है वो भी 3 है, अगेन फ्यूज अगेन सुपीरियर ओवरी। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट्स किया है, ये भी 3, दिस इज आल्सो 3-3, तो ये सब 3-3-3 कंडीशन में है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेरी, कि ट्राईमेरी का एक एग्जाम्पल है, आइसोमेरी के सारे जितने भी फ्लोरल पार्ट्स है वो एक ही न्यूमरल में चले जाते हैं, यानी ट्राईमेरी में है सारे। ऐसा नहीं कि इससे पहले हमने फैमिली देखा है उसमें कुछ 3 थे, कुछ 4 थे, कुछ 2 थे, तो यहाँ पे सभी फ्लोरल जो ऑर्गन्स हैं उन्होंने एक ही न्यूमरिकल फॉलो किया है, दैट इज थ्राइस। सो 3 पेरियंथ, 3 एंड्रोशियम, 3 गायनेशियम, दिस इज काइंड ऑफ ट्राईमेरी और आइसोमेरी, तो ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी आपने देखा कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लिलिएसी फैमिली, लेकिन यहाँ पे एक और सिंबल मैं दिखाना चाहूँगा, दिस एंड्रोशियम इज कनेक्टेड विद पेरियंथ, तो एंड्रोशियम का कनेक्शन पेरियंथ के साथ रहता है, तो यहाँ पे ये मैंने बताया ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो पेरियंथ यहाँ पे जो स्टामिन है दैट इज कनेक्टेड विद पेरियंथ, सो दिस इज पेरियंथ, इट इज कनेक्टेड विद दिस स्टामिन, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और फैमिली एग्जाम्पल, ये तो डाइकॉट मोनोकॉट के एक फैमिली में लेते हैं, पोएसी, ठीक है, पोएसी और फॉर्मली कॉल्ड ग्रैमिनी, ग्रैमिनी यानी ग्रास का फैमिली, मेज का ग्रास फैमिली। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, सबसे पहले इट इज़ जाइगोमॉर्फिक, कंडीशन इज जाइगोमॉर्फिक, दैट मीन्स जो इसके सेपल पेटल या पेरेंट्स जो होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं किसी भी डिवीजन से, इट इज़ बायलेटरल सिमेट्रिकल, देन इट इज़ अगेन हर्मोफ्रोडाइट, बोथ मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट, और यहाँ पे पेरेंट जो है इज 2-3, लेकिन इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था इसके पेरेंट्स को हम पेरेंट नहीं कहते हैं, दोज आर कॉल्ड लॉडिक्यूल्स, ठीक है। तो ग्रामनी में ये याद रखिए, पेरेंट 2-3, ये 2-3 होते हैं, लॉडिक्यूल्स इनको कहते हैं। ए जो एंड्रोशियम देर इज ऑल्सो 3-6, यानी 3, 4, 5, 6 ये हो सकते हैं, तो इट्स नॉट फिक्सड, नंबर इज नॉट फिक्सड, वेर इज फ्रॉम 3-6। यहाँ पे गायनेशियम एक ही है, ठीक है, यहाँ पे गायनेशियम एक ही है एंड दैट इज अगेन सुपीरियर ओवरी, तो यहाँ पे ये फ्यूज्ड कंडीशन, अगर हम फ्यूज्ड कंडीशन की बात करते हैं ग्रैमिनी में तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखें इन चीज़ों को, तो इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने पढ़ना है।
different processes को, different plural formula जो हमारे पास plural formula diagram होता है, किस तरह से हमें उसको पढ़ना है, and that's very important. अब यहाँ पे हम important बात करते हैं कि तो यहाँ पे जो जो मैंने इम्पॉर्टेंट बात करी है वो क्या है, वो ये है कि जो ग्रामीणी आपको दिखती है दिस इज फ्री, लेकिन इनफैक्ट इट इज़ ट्राई कार्पलेरी सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी. तो ये तीन कार्पल्स होते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, हमें बाहर से लगता है कि एक ही कार्पल है, तो दैट्स वाई वी आर शोइंग वन कार्पल सुपीरियर ओवरी, बट इट इज़ एक्चुअली ट्राई कार्पलेरी सिन कार्पस ओवरी विच इज़ फ्यूज्ड इन अ वे इट एक्ट लुक्स लाइक सिंगल ओवरी, तो सिंगल कार्पल. तो ये ग्रामिनी का एग्जाम्पल है, जो ग्रास फैमिली. ये यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया कि फ्लसेंटेशन का यहाँ पे हम दिखाते नहीं है, दैट इज शोइंग फ्लोरल डायग्राम. अब फ्लोरल डायग्राम पे आते हैं हम, फ्लोरल डायग्राम पे, दिस वाज फ्लोरल फार्मूला. अब फ्लोरल डायग्राम क्या है, देखिए फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं, फ्लोरल डायग्राम जो यहाँ पर मैंने लिखा है. अब फ्लोरल डायग्राम का सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. फ्लोरल डायग्राम क्या है, इट इज़ फ्लावर इन ट्रांसवर्स सेक्शन, इट इज फ्लावर इन ट्रांसवर्स सेक्शन. तो यहाँ पे ध्यान देना है, फ्लावर को हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं, यानी दे इफ दिस इज फ्लावर, दिस इज वन वर्टिकल एलएस सेक्शन आर प्रोफाइल, तो हम इसको ऊपर से देखते हैं फ्लावर को, दैट इज बीच में अगर उसको काटते हैं फ्लावर को ऊपर से हमें जो दिखेगा दिखेगा फिर बाद में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन. तो उस ये फ्लावर काट रहा है, दिस फ्लावर इन ट्रांसवर्स सेक्शन शोइंग फ्लोरल सिमेट्री. यहाँ पे क्या करते, दिस शोइंग फ्लोरल सिमेट्री, शोइंग फ्लोरल सिमेट्री, ठीक है, शोइंग यहाँ पे सिमेट्री दिखाता है, शोइंग फ्लोरल सिमेट्री, पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स इन रिलेशन टू मदर एक्सिस. तो मदर एक्सिस के रिलेशन के को लेके, उसके साथ मिला के विद रेस्पेक्ट मदर एक्सिस के साथ इनका रिलेशन क्या है वो भी दिखाता है यहाँ पे. ये फ्यूजन ऑफ, या हम कह सकते हैं फ्यूजन एंड अरेंजमेंट ऑफ, या देन वी हैव देन फ्यूजन एंड अरेंजमेंट ऑफ सेपल पेटल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. इनका अरेंजमेंट क्या है डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स का, सो सेपल पेटल स्टैमेन या कार्पल कह सकते हैं, देन प्लेसेंटेशन एक्स्ट्रा. यहाँ पे हम प्लेसेंटेशन भी दिखा सकते हैं, प्लेसेंटेशन एक्स्ट्रा, ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ इट. लेकिन यहाँ पे पोजिशन ऑफ ओवरी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसका इन्फीरियर और सुपीरियर कंडीशन क्या है वो हम दिखा सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट पोजिशन नहीं दिखा सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए फ्लावर इन ट्रांसवर्स सेक्शन शोइंग फ्लोरल सिमेट्री, यहाँ पे सिमेट्री हमें पता चलता है, पोजिशन किस चीज़ का, फ्लोरल पार्ट्स का. तो फ्लोरल पार्ट्स का पोजिशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू मदर एक्सिस, और फ्यूजन या अरेंजमेंट क्या है सब फ्लोरल पार्ट्स का, इसका सेपल पेटल एंड्रोशियम एंड कार्पल का, इनका फ्यूजन कैसा है, इनका अरेंजमेंट कैसा है, इनका रिलेशन कैसा है मदर एक्सिस के साथ, और फ्लावर की सिमेट्री इन ट्रांसवर्स सेक्शन, दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड फाइनली, ये है फ्लोरल डायग्राम. अब हम उस फ्लोरल डायग्राम को बनाते हैं कि क्या किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ. यहाँ पे प्लेसेंटेशन दिखा सकते हैं जो कि फ्लोरल फार्मूला नहीं दिखा सकते हैं, और वन मोर थिंग, यहाँ पे ओवरी को हम ओवरी का एग्जैक्टली पोजिशन नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कंडीशन दिखा सकते हैं कि इनफीरियर की सुपीरियर ओवरी है. तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ फ्लोरल डायग्राम, इसको याद रखें सब चीज़ों को क्या एग्जैक्टली इसमें हम पढ़ते हैं. तो नाउ हम इसको बनाते हैं फ्लोरल डायग्राम को, किस तरह ये बनता है. नाउ इन दिस वे हम यहाँ पे, ये दिस इज मदर एक्सिस, दिस इज कैलेक्स, दिस करोला, इन करोला को बनाते हैं. देन वी हैव स्टामिनस, सपोज दिस आर स्टामिनस इन थ्री पेयर्स, सपोज
These are staminas. So this is mother axis, and these are outer part, that is calyx, yeah, sepals. Inside these are petals. We alternate karte hain iske saath. So then these are three pairs of 3 plus 3 plus 3. We are 2 plus 2 plus 2, actually A yahan pe example jaise banta hai, 2 plus 2 plus 2. So teen jagah pe in groups mein androecium hai, then we have gynoecium. In this way, suppose that's like this. तो ये सपोज दिस इज बाईकार्पल, ये सिनकार्पस हो रही है. यहाँ पे दो कार्पल्स है, ये सिनकार्पस हुए हैं, ये मिक्स हुए हैं, फ्यूज हुए हैं. और इसका प्लासेंटेशन सपोज दिस इज बेसल, तो हम यहाँ पे प्लासेंटेशन दिखा सकते हैं. तो इस रिप्रेजेंटेशन को दिस कॉल्ड फ्लोरल डायग्राम, जहाँ पे हम फ्लोरल सिमेट्री क्रॉस सेक्शन में हम फ्लावर को देखते हैं. सिमेट्री पता चलता है हमें फ्यूजन एंड अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स विद रेस्पेक्ट मदर एक्सिस, ये मदर एक्सिस के साथ. और एक्चुअली मोस्टली दे आर पोस्टीरियर, किसी में एंटीरियर भी हो सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू मदर एक्सिस. तो यहाँ पे आप देखिए मदर एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, देन कैलेक्स करोला. और यहाँ पे हर्मोफ्रोडाइटिक कंडीशन भी हम दिखाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है एंड्रोशियम गाइनोशियम अगर है देन इट इज़ बाइसेक्चुअल. और हम यहाँ पे एक्ट्रोमार्फिक जाइगोमार्फिक जहाँ से पता चल सकता है वो भी पता चल सकता है. पेरेंथ है, कैलेक्स है, करोला है, कितने है वो भी पता चल सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे पता चल सकते हो. तो डायग्राम जो है ये फ्लोरल फॉर्म से कुछ ही ज़्यादा एलाबोरेशन में हमें दिखाता है कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है. तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें कंडीशन भी पता चलता है कि क्रूसफेरस कंडीशन है, अल्टरनेट करता है इसका इसके साथ ये मदर एक्सिस कहाँ पे है. और जो हमारा कार्पल है वो सिनकार्पस है, कितने कार्पल्स है, ओव्यूल्स कैसे बने हैं उसमें, और प्लासेंटेशन किस तरह का है. तो दिस इज़ मोर एलाबोरेटरी, और वी कैन से दिस मोर एक्सप्लेनेटरी दैन फ्लोरल फार्मूला. तो ये फ्लोरल डायग्राम है, डिफरेंट फैमिलीज में हम डिफरेंट फ्लोरल डायग्राम्स पाते हैं. तो फ्लोरल डायग्राम को आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखें फ्लोरल डायग्राम में हम क्या क्या दिखा सकते हैं, क्या क्या होता है, किस तरह होता है, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन बाय स्टामिनस कहाँ पे होते हैं, ये बाकी वगैरह कहाँ पे हम दिखा सकते हैं. अदरवाइज देर आर मैनी 100+ फैमिलीज, आप जो आपके सिलेबस में भी अगर कोई फैमिली है प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को लेके, तो उस फैमिली को आप उसको आप पढ़िए. लेकिन उसमें आप ज़्यादा फ्लोरल डायग्राम बनाने की कोशिश अगर करेंगे तो ठीक है, एक दो बना दीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि फ्लोरल डायग्राम क्या होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है. तो वी हैव मेनी फैमिलीज़, जैसे कुछ बड़े फैमिलीज जिसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है फ्लोरल फॉर्म डायग्राम बनाना, फॉर एग्जाम्पल एस्केलेपिडेसी फैमिली, या कुछ ऐसे फैमिलीज़ जो हम फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं, फ्लोरल फार्मूला उनका अगर याद करते हैं तो फ्लोरल डायग्राम आप नहीं बना सकते हैं. कभी कभी सिंपल फैमिलीज में फ्लोरल फार्मूला को लेकर आप डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपका जो ये कैलेक्स करोला का जो शेप है वो आप फ्लोरल फार्मूला से नहीं बना सकते हैं, इट्स डिफिकल्ट, यहाँ पर इसको डायग्राम को देखना ही पड़ता है. तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हमारा टॉपिक जो आज का था, कि फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, फ्लोरल डायग्राम को क्या होता है. तो आपको पता चल गया कि फ्लोरल फार्मूला डायग्राम में क्या फ़र्क है, कि फार्मूला एक डिजिटल शेप है, यानी कुछ सिम्बल्स है उसमें, दैट इज़ फार्मूला. डायग्राम में आपको सीधे डायग्राम देखने को मिलता है. तो इन चीज़ों को आप फैमिलीज़ के साथ पढ़िए, जैसे आपके सिलेबस में अगर कहीं पे है, आपके सिलेबस में ग्रामिनी फैमिली हो सकता है या लिलीसी फैमिली भी है, देन यू कैन बी हैविंग एस्टेरेसी यानी सनफ्लावर का फैमिली, सोलेनेसी पोटैटो का फैमिली, इसी तरह फेबेसी भी हो सकता है जिसको हम लेग्यूमिनेसी भी कहते हैं, पेपलियोनेसी. तो ये मटर फैमिली यानी पी फैमिली, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हैं. ब्रासिकेसी, तो ये एक्चुअली ये फैमिलीज जो हैं डाइकॉट्स के हैं, वो कुछ मोनोकॉट फैमिलीज भी आप देख लीजिए. और कुछ फैमिलीज में कुछ इम्पॉर्टेंट फ्लावर पाए जाते हैं, जैसे यूफोरबियस में साइथियम टाइप का फ्लावर है, उसको क्रॉस सेक्शन कैसे देखते हैं, दैट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट. तो चलिए इसके साथ ही हम हमारा जो आज का टॉपिक है इसको क्लोज करते हैं. सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस दिशा में आपको जाना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम्पल उसके से याद रखने हैं. तो अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है, सवाल है, प्लीज़ उसको आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको वहीं पे उसमें कोई दूसरा वीडियो में बना सकता हूँ. या अगर आपको डायग्राम सही समझ नहीं आएगा तो आई कैन यूज़ 3-4 टाइप्स ऑफ कलर्स एंड आई कैन मेक ए बिग डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली. तो इसी के साथ आई एम थैंकफुल टू यू पीपल फॉर वॉचिंग दिस. और अगर कहीं कन्फ्यूजन है प्लीज़ उसको लिख लीजिए. And I hope we meet in next video with another important topic. Till then, goodbye. Take care.